आपसे जानना चाहेंगे आपके अंदाज में क्या विश करना चाहेंगे आप किसी का वो ये सब कुछ आपका ही ऐसा कुछ नहीं है। स्मिता मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत पुरानी मतलब बहुत पुरानी। जब हम लोग ट्रेन से सूरत जाया करते थे साड़ी का कैटलॉग शूट करने के लिए, तो मुझे याद है, तो दैट इज़ हाउ वी बॉन्डेड कि हम लोग साथ में जाते थे ट्रेन में, एक दूसरे को के साथ बातें करते करते टाइम पास करते थे। फिर साउथ में काफ़ी बार हम लोगों ने साथ में काम किया, कुछ एड्स। फिर ऐसे जब भी देखा कि मतलब काफ़ी बार हम लोग बार बार बाउंस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वहाँ से दोस्ती शुरू हो गई। देखते देखते 10 साल हो गए। तो जब मैंने स्मिता के लिए वोट अपील किया था तो बहुत लोगों ने लिखा था कि डज शी इवन नो हर, सो आई रियली नो हर एंड आई नो हाउ नाइस शी इज़, शी सच अ नाइस गर्ल। नहीं तो इतनी लंबी दोस्ती किसी के साथ टिकती नहीं है, स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर में। तो फ्रॉम द टाइम व्हेन वी वर नोबडी टू देन हम दोनों के रास्ते बदले। मैं हिंदी टेलीविजन में आई, स्मिता मराठी फिल्मों में चली गई, सो विच इज़ अमेजिंग। और बिग बॉस में जाने से पहले मैंने बहुत सारा उसके दिमाग में मैंने ठुस ठुस के डाला था कि ऐसा करना वैसा करना, बट आई नो द हाउस इज़ वेरी टफ। What happens inside is completely up to you. और स्मिता वैसी ही है, शी इज़ वेरी शांत, शी cannot किसी के मुँह पे रिप्लाई करना। आज तक मतलब मुझे नहीं लगता कि वी हैव एवर फॉट, सो मतलब ऐसा भी कभी नहीं हुआ अच्छा ये या ये ये अच्छा ठीक है वो अच्छा ओके ठीक है, दैट इज़ हाउ इट हैज़ हैपन्ड विथ हर। सो आई एम सो हैप्पी कि वो टॉप 3 तक आई, दैट इट सेल्फ इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सो विशिंग हर ट्रिमेंडस एंड स्टूपेंडस सक्सेस आगे। यूजुअली बिग बॉस के घर से लोग थोड़ा बहुत पता नहीं कुछ गड़बड़ करके निकलते हैं, बट स्मिता हैज़ डन एन अमेजिंग जर्नी। तो स्मिता के लिए मुझे लगता है कि आगे रास्ता एकदम बहुत ब्यूटिफुल है और बहुत सारा काम करेगी, और उसके लिए हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं। आपने जो पूछा मैंने सब साथ में बोल दिया। ओह माय गॉड गुरमीत की फिल्म रिलीज़ हो रही है पल्टन, विच इज़ ऑन 7th September, सो आई डोंट थिंक ऐसा इसमें कोई सच्चाई है। कलर्स ने नहीं अप्रोच किया आपको? मैं कुछ तो नहीं बता सकती। माय क्वेश्चन फॉर यू इज़, मराठी में अभी जिस तरह से शोज आ रहे हैं थ्रिलिंग बेस्ड, और यहाँ पे स्मिता हैज सेट एन एग्जांपल दैट शी हैज रोट समथिंग, व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दिस? मराठी इज सेटिंग दिस वॉज डेफिनेटली ट्रेंड सेटअप फॉर मराठी। लोगों को ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि बिग बॉस भी आ सकता है मराठी में, और इस तरीके से एकदम एब्सोल्यूटली स्टाइलिश लड़की घर में, दैट वॉज लाइक अ शॉकिंग चेंज। लोगों को ऐसा लगता है, आई मीन फॉर हर ऑल्सो शी ऑलवेज वॉन्टेड टू फिट इन द मराठी घरेलू लुक, बट आई टोल्ड हर दैट यू आर ग्लैमरस, यू आर बॉर्न ग्लैमरस, हाँ, तो तुम ऐसे ऐसे दुखी दुखी सी दिख नहीं सकती हो, सो जस्ट इन्जॉय योर सेल्फ। एंड शी लुक्ड हर बेस्ट एंड दैट हैज़ एक्चुअली सेट अ ट्रेंड फॉर द मराठी इंडस्ट्री, एंड आई थिंक दैट मोर एंड मोर पीपल विल कम अहेड एंड टेक दिस ट्रेंड फॉरवर्ड। हमारी बहुत मोमेंट्स हैं हम लोगों की, मैंने बोला तो ट्रेन में हम लोग बात करते करते आते थे। नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, हम लोग सूरत से यहाँ आते थे, साथ में बात करते करते आते थे। वो काफ़ी मतलब वो जब बाइक वाइक चलाती थी, वो जब जाके पुणे में डर्ट बाइकिंग करती है, मुझे पहली बार लगा रही एक लड़की बाइकिंग भी कर सकती है, माय गॉड अमेजिंग, और इतनी पतली दुबली सी लड़की। तो उसको देख देख के मैंने थोड़ा बाइकिंग सीखा था, लेकिन कोशिश की थी और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी, और उसके बाद से मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। सो स्मिता इज़ रियली रियली एक्सीलेंट एंड आई थिंक शी विल सेट ट्रेंड्स एंड शी विल गो अहेड, आई लाइक इट द वे आई एम लुकिंग। ओके लास्ट क्वेश्चन, कि पल्टन का कितना इंतज़ार है आप? बहुत इंतज़ार है, और डबिंग हो चुकी है, 30th को ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, 1st को ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, सो आई एम सो एक्साइटेड। मैंने खुद नहीं देखा है, सो आई एम सो एक्साइटेड, गुरमीत ने भी नहीं देखा है, सो वी आर सो एक्साइटेड कि हम फर्स्ट टाइम एक बार देखें एंड
is just giving us goosebumps because he's worked tremendously hard. I mean, the whole team has worked tremendously hard. Thank you. Please subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.